इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन कोडिंग यूज़ करके हम जीमेल के थ्रू कैसे मेल करें। इसके लिए पहले आप SMTP लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे, विच इज़ अ स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन इंपोर्ट MIME मल्टी पार्ट। MIME मल्टी पार्ट जो भी हमारे मैसेज ट्रांसफर होते हैं उन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। वी विल सी द सेटअप ऑफ MIME। MIME मल्टी पार्ट को हम एक मैसेज ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। मैसेज फ्रॉम फ्रॉम हमारा MIME मल्टी पार्ट का एट्रीब्यूट होता है, जिसके अंदर हम सेंडर एड्रेस को डिक्लेयर कर रहे हैं। मैसेज फ्रॉम, मैसेज टू में आप रिसीवर एड्रेस, मैसेज सब्जेक्ट में जो भी आपके मेल का सब्जेक्ट है वो आप यूज़ कर सकते हो। देन डिक्लेयर सेंडर एड्रेस, सेंडर पासवर्ड एंड रिसीवर एड्रेस। नाउ ये यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम जो भी मेल करेंगे वो जीमेल के थ्रू करेंगे, इसलिए सर्वर का नेम हमने smtp.gmail.com रखा है। नाउ वी विल यूज़ द पोर्ट नंबर। वी यूज़ पोर्ट नंबर 587। नाउ स्टार्ट TTLS। TTLS स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये हमारे सिक्योरिटी को इनेबल करता है। सर्वर डॉट लॉगिन, सेंडर एड्रेस, सेंडर पासवर्ड। यहाँ पे हम दो आर्गुमेंट पास कराएंगे, सेंडर एड्रेस एंड सेंडर पासवर्ड। देन टेक्स्ट इक्वल टू मैसेज डॉट एज स्ट्रिंग। जो भी हमने यहाँ पे मैसेज ऑब्जेक्ट पूरा मैसेज क्रिएट करा था, इसको हम टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करके सेंड मेल में सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस एंड टेक्स्ट यूज़ करेंगे, टेक्स्ट आर्गुमेंट पास करा देंगे। इस तरीके से आप SMTP लाइब्रेरी में MIME मल्टीपार्ट लाइब्रेरी यूज़ करके आप मेल कर सकते हो। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है हमारे SMTP लाइब्रेरी में वो होता है SMTP सर्वर क्रिएट करना। यहाँ पे हम smtp.gmail.com सर्वर का नाम देते हैं यहाँ पे, जो कि gmail.com है। हम gmail.com इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम जो भी मेल करेंगे वो जीमेल के थ्रू करेंगे।